हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल लर्न एंड अर्न सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी एक्सेल ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप घर बैठकर 1314 रुपी पर आर अर्न कर सकते हैं। ये ट्रिक क्या है, कैसे आप ऐसे अर्न करेंगे और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आपको ये काम मिलने वाला है, ये पूरी डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बात करेंगे पेमेंट प्रूफ की। तो पेमेंट प्रूफ के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ नन अदर देन fiverr.com, और यहाँ पे मैंने सर्च किया है डेटा क्लीनिंग इन एक्सेल। तो अगर आप यहाँ पे गिग इनकी ध्यान से देखें, डेटा क्लीनिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा कॉपी पेस्ट एंड डेटा एंट्री, तो जो आपका डेटा है ये वो क्लीन करके देते हैं। और यहाँ पे आप देखें इनके जो बेसिक पैकेज है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1314 रुपीज़ से। अगर हम स्टैंडर्ड पैकेज की बात करें 1752 रुपीज़, एंड प्रीमियम पैकेज है 2190 रुपीज़। तो ये एक काम करने का जो बेसिक है, जिसमें ये क्लीन करते हैं एक्सेल फाइल्स विद अप टू 100 रोज एंड 5 कॉलम्स, उसका चार्ज करते हैं 1314 रुपीज़। तो यही काम हमें बेसिकली करना है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने डेटा की तरफ। काम क्या है, कैसे आप यहाँ पे एक्सेल ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास दो शीट्स हैं, एक है सेल्स डेटा, दूसरा है एचआर डिपार्टमेंट डेटा। सेल्स डेटा में सेल्स की सारी डिटेल है, डेट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट का नाम, यूनिट्स, प्राइस, टोटल सेल्स, सिटी, रीजन एंड डे। वहीं हम एचआर डिपार्टमेंट डेटा की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है जो कि है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। अब क्या यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो देखिए जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डेटा है इसमें टोटल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 65 एंट्रीज हैं, लेकिन जो यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेशन में जो डेटा गिवन है वो ज़्यादा है। मींस यहाँ पे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के नेम गिवन है वो 65 से ज़्यादा हैं। अब हमें बेसिकली वो नेम्स यहाँ पे ढूंढने हैं जो आपके एचआर डिपार्टमेंट डेटा में नहीं है। तो हमें सेल्स डेटा फाइल में, इस पूरे डेटा में ऐसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नेम ढूंढने हैं जो आपकी सेकंड शीट जो कि एचआर डिपार्टमेंट डेटा है उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये काम हम यहाँ पे कैसे करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स आप देखोगे कि आपके सामने वो सारे डेटा हाईलाइट हो जाएंगे जो आपके एचआर डिपार्टमेंट डेटा में प्रेजेंट नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये सेल रिप्रेजेंटेटिव जो डेटा है इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। उसके लिए मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया है, उसके बाद हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको क्लिक करना है न्यू रूल पे, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और नीचे ये वो स्पेस है जहाँ पे आपको आपका फॉर्मूला जो है वो लिखना होगा। तो फॉर्मूला लिखने के लिए हम सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ। काउंट इफ फॉर्मूला जो है वो काउंट करता है बेस्ड अपॉन सर्टन कंडीशन। तो हमने इफ़ लगाया है तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन भी देनी होगी। अब कंडीशन के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने एचआर डिपार्टमेंट डेटा में। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की हेल्प से इस पूरे कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये पूरा कॉलम सिलेक्ट होके आ गया है, देन कॉमा। अब मुझे वापस जाना है सेल्स डेटा में और यहाँ पे जो आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला कॉलम है इसका फर्स्ट सेल आपने सिलेक्ट करना है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फर्स्ट सेल के साथ ही इसका कंपैरिजन करेगा, ये फर्स्ट
देन सेकेंड देन थर्ड, इस तरह से कंपैरिजन होगा। यहाँ पे देखिए जो बी टू सेल है, बी के आगे भी डॉलर है, टू के आगे भी डॉलर है, तो इसका मतलब ये सेल फिक्स हो गया। हमें सेल को फिक्स नहीं करना, सबसे पहले बी टू के साथ कंपैरिजन होगा, देन बी थ्री के साथ होगा, देन बी फोर के साथ होगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले एफ फोर प्रेस करूँगी। तो बी के आगे वाला डॉलर जो है वो हट चुका है, दोबारा से मैं एफ फोर प्रेस करूँगी और थर्ड टाइम मैं एफ फोर प्रेस करूँगी, तो अकेला मेरा बी टू यहाँ पे रह चुका है, तो आपने अकेला बी टू यहाँ पे रखना है। ब्रैकेट को आप क्लोज करेंगे, देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब जहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही हैं, हमें वो वाले सेल्स को हाईलाइट करना है। हाईलाइट के लिए मैं फॉर्मेट पे जाऊँगी, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे फिल ऑप्शन, और जिस कलर से भी आपने इसको हाईलाइट करना है वो आप कलर सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे, देन ओके। एज सुन एज आप ओके प्रेस करेंगे तो देखिए ये वो सेल्स हैं या ये वो नेम है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के जो आपके सेल्स डेटा में हैं लेकिन एचआर डिपार्टमेंट डेटा में प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो जैसे ये है, इसको मैंने कॉपी किया, इसमें जाएंगे कंट्रोल एच करेंगे तो फाइंड व्हाट यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे, तो देखिए इसने कहा है वी कुडंट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, क्लिक ऑप्शंस फॉर मोर वे टू सर्च, मींस वो डेटा जो इधर हमारे पास हाईलाइट होके आया है वो आपके एचआर डिपार्टमेंट डेटा में प्रेजेंट नहीं है। तो ये वो नाम है जो आपके इस शीट दैट इज सेल्स डेटा में प्रेजेंट है लेकिन एचआर डिपार्टमेंट डेटा में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप एक नॉन एक्सेल यूज़र हैं या फिर आपको एक्सेल आती है लेकिन आपको ये ट्रिक नहीं पता, तो इस काम को करने में आप बहुत सारे घंटे या बहुत सारे दिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैनुअली आप एक एक करके इसको डेफिनेटली चेक करें। तो इस ट्रिक से हम इतने घंटों का काम विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो कंप्लीट कर पाए हैं। तो ये थी हमारे काम और एक्सरसाइज कैसे आप इस पे काम करेंगे। अब बात करते हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स की जिनके ऊपर आपको ये काम मिलने वाला है। तो टोटल 6 ऐसे प्लेटफॉर्म्स में बताने जा रही हूँ जिस पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और विद इन 1 month और 2 आपको काम जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म्स के नाम हैं fiverr.com, peopleper.ar, upwork, freelancer, teacherone एंड LinkedIn। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप भी अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं या इवन आप जॉब भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी सेकेंड इनकम को जनरेट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक्सेल पावर बीआई सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep supporting us.